नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण का मतदान कल यानी कि 20 मई को पूरे भारत में होना है। पांचवें चरण में 49 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें से 14 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की उन 14 सीटों के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर कल मतदान होना है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में इन 14 सीटों में से 13 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और एक सीट यानी कि रायबरेली की सीट पर श्रीमती सोनिया गांधी ने चुनाव जीता था। तो आइए चलिए देखते हैं कि अब जिन 14 सीटों पर मतदान होना है उसमें से कितनी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन भारी पड़ रहा है और कहां कहां पर इंडिया गठबंधन और अन्य राजनीतिक दल, जिसमें मुख्य रूप से बसपा सुप्रीमो मायावती जी की पार्टी है बसपा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अगर आप देखें तो पांचवें चरण में बहुत सी हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव होना है, जैसे कि अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, कैसरगंज और भी अयोध्या सबसे बढ़कर, तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लखनऊ से। लखनऊ में तीसरी बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो अपनी जीत की हैट्रिक लगाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से रविदास मेहरोत्रा, जो कि लखनऊ से विधायक भी हैं, वो उन्हें चुनौती दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने सरवर मलिक पर दांव लगाया है। अगर यहाँ पर सरवर मलिक अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से वो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। इसके अलावा, मतलब अगर ऐसा नहीं भी होता है फिर भी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत रही है, अच्छा चुनाव लड़ती रही है और राजनाथ सिंह भी यहाँ पर लोकप्रिय हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह ये चुनाव जीत जाएंगे। इस बात को सुनिश्चित करने का काम यहाँ पर सरवर मलिक कर रहे हैं। अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो राजनाथ सिंह जी को यहाँ पर कोई खास तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं अमेठी लोकसभा सीट की। पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से राहुल गांधी को चुनाव में हरा दिया और एक बार फिर से वो राहुल गांधी को ललकारती नजर आ रही हैं। बदले में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतार दिया है, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर उनकी माताजी सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ती थीं और अब उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। इस बात की प्रबल संभावना है कि किशोरी लाल शर्मा बहुत ही कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को। यहीं पर बसपा ने नन्हे सिंह चौहान पर दांव लगाया है, उन्हें मैदान में उतारा है और फिलहाल नन्हे सिंह चौहान फाइट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर कड़ी टक्कर है, ये नहीं बिल्कुल कहा जा सकता कि क्योंकि राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं तो स्मृति ईरानी आसानी से जीत जाएंगी। बहुत सारे बड़े न्यूज़ चैनल्स पर ऐसा बताया भी जा रहा है कि यहाँ बहुत कांटे की टक्कर है और ये किसी भी दिशा में ये चुनाव जा सकता है। मेरा भी ऐसा ही मानना है। खुद हम लोग के स्टूडियो में भी शर्त लगी है हमारी, हमारे साथी राजकुमार मौर्य जी से, कि यहाँ पर कौन जीतेगा, किशोरी लाल शर्मा जीतेंगे या स्मृति ईरानी जीतेंगी। तो हम लोग को भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है इसके रिजल्ट का। यहाँ मैं ये नहीं बता रहा हूँ कौन जीतेगा, क्योंकि हम लोग का भी मानना है कि यहाँ बहुत कड़ी टक्कर है। अगली सीट है रायबरेली, जहाँ पर बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा की तरफ से ठाकुर प्रसाद यादव मैदान में हैं। अब जब राहुल गांधी का नाम खुद ही आ जा रहा है तो बाकी प्रत्याशी कौन है इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। रायबरेली की सीट आसानी से यहाँ पर कांग्रेस एक बड़े अंतर के साथ जीत जाएगी। इसके बाद जो सीट है वो है फैजाबाद, जो कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण तक या उसके भी पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान के केंद्र में था अयोध्या। प्रथम चरण के मतदान के बाद यहाँ पर कभी भैंस की बात होने लगी, मुसलमानों की बात होने लगी, पाकिस्तान की बात होने लगी, लेकिन पहले अयोध्या ही केंद्र में था और यहाँ से भाजपा ने लल्लू सिंह को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश सिंह हैं, जबकि बसपा की तरफ से सच्चिदानंद पांडे हैं।
अगर सच्चिदानंद पांडे अपने समाज का वोट प्रतिशत लाने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की समस्या वो बढ़ा देंगे। अवधेश प्रसाद जो कई बार के विधायक रह चुके हैं यहाँ पर, वो भी एक कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अयोध्या में बहुत सारे विकास काम हुए हैं, हम लोग के बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अयोध्या में रहते हैं, फैजाबाद में रहते हैं, और वो बता भी रहे हैं कि वहाँ राम मंदिर की वजह से वाकई में बहुत विकास हुआ है जिसका सभी को लाभ मिल रहा है। इसकी वजह से ऐसा हम लोग को लग रहा है कि लल्लू सिंह यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जो कि भाजपा के कैंडिडेट हैं। इसके बाद हम बात करें कैसरगंज की। कैसरगंज में आपको पता है बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष, जिनके ऊपर आरोप है भारतीय महिला पहलवानों का शोषण करने का, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उनके बेटे करण भूषण को यहाँ पर टिकट दिया गया है भाजपा की तरफ से। वहीं इंडिया गठबंधन ने भगत राम मिश्रा और बसपा ने नरेंद्र पांडे को मैदान में उतारा है। अब क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों ने ब्राह्मण प्रत्याशियों पर दांव लगाया है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसका फायदा निश्चित रूप से भाजपा को और करण भूषण सिंह को मिलने जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण मत इधर बंट जाएंगे और बृजभूषण शरण सिंह को उनके वोट मिलने ही वाले हैं। हालांकि इसमें निश्चित रूप से कमी इसलिए आएगी क्योंकि जो गंभीर आरोप लगे हैं बृजभूषण के ऊपर, उसकी वजह से निश्चित रूप से करण भूषण जो कि उनके बेटे हैं, उन्हें चुनाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उनका पलड़ा निश्चित रूप से यहाँ पर भारी है। इसके बाद हम बात करेंगे बांदा लोकसभा सीट की, जहाँ पर आर के पटेल बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, कृष्णा पटेल इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं और मयंक द्विवेदी बसपा के कैंडिडेट हैं। ये निश्चित रूप से भाजपा के वोट बैंक में सेन लगा सकते हैं और आर के पटेल की समस्या को कुछ हद तक ज़रूर बढ़ाएंगे। यहाँ बहुत कांटे का मुकाबला है, ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा। इसके बाद बात करें हमीरपुर की, तो पुष्पेंद्र सिंह यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, अजेंद्र सिंह यहाँ पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं और निर्दोष दीक्षित यहाँ पर बसपा के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त कांटे की लड़ाई है और किसी भी एक पक्ष में पलड़ा झुकता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं मोहनलालगंज की, जो कि लखनऊ से सटी हुई सीट है। यहाँ पर कौशल किशोर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो कि काफ़ी चुनाव जीतते रहे हैं इधर, जबकि आर के चौधरी को समाजवादी पार्टी ने यानी इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया है। राजेश कुमार बसपा के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर इस बार आर के चौधरी का पलड़ा भारी है। इसके बाद हम बात करते हैं बाराबंकी की। बाराबंकी में राजरानी रावत भाजपा की तरफ से मैदान में हैं, जबकि तनुज पुनिया इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और शिव कुमार दोहरे बसपा के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर तनुज पुनिया फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं, सबसे आगे चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से। इसके बाद हम बात करेंगे गोंडा की। गोंडा में कीर्तिवर्धन सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, यही चुनाव भी लड़ रहे हैं, कैंडिडेट हैं, एंटी इनकम्बेंसी का सामना इन्हें करना पड़ेगा। वहीं श्रेया वर्मा जो कि बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं, वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, और सौरभ मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी की तरफ से। सौरभ मिश्रा जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे भारतीय जनता पार्टी को उतनी ज़्यादा तकलीफ होगी, जिसका फायदा निश्चित रूप से श्रेया वर्मा और इंडिया गठबंधन को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन आगे नज़र आ रहा है। वहीं फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति और नरेश उत्तम पटेल के बीच ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। साध्वी निरंजन ज्योति कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कई बार की सांसद हैं, और हालांकि उन्हें यहां पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, यही वजह है कि नरेश उत्तम पटेल का दावा भी बहुत मजबूत माना जा रहा है। मनीष सिंह सचान बसपा के प्रत्याशी हैं, इनका प्रदर्शन भी काफ़ी हद तक इस चुनाव को प्रभावित करेगा। इसके अलावा कौशाम्बी से विनोद सोनकर लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, पुष्पेन सरोज इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं और शुभ नारायण बसपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर पुष्पेन सरोज का पलड़ा भारी है इंडिया गठबंधन की तरफ से। झांसी में अनुराग शर्मा बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं, प्रदीप जैन इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं और रवि प्रकाश कुशवाहा बसपा की तरफ से लड़ रहे हैं। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहाँ किसका पलड़ा कितना भारी है। इसी तरह
जालौन में भी भानु प्रताप वर्मा बीजेपी के कैंडिडेट हैं, नारायण अहिरवार इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं और सुरेश गौतम बीएसपी के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा। अगर यहाँ पर पूरे उसको देखें तो जिन 14 सीटों पर मतदान होना है, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 8 सीट जो है जा सकती है एनडीए गठबंधन के खाते में और 6 सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाएगा। ऐसा आकलन है, ऐसा अनुमान है, ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा होगा, लेकिन आप देखिएगा कि चुनाव परिणाम कुल मिलाकर इसके आसपास ही आएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, किन सीटों पर कौन जीतेगा और इस बार किसकी सरकार बनेगी केंद्र में, ये आप हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।